सिद्धं शुद्धं प्रणमिह जिणेन्द्रवर्णेमि चन्द्रमकलङ्कं गुणरयणभूषणोदयं जीवस्य परूवणं गोच्छम्। गुणस्थान चर्चा का अपना क्रम चलता चला जा रहा है और इस क्रम में बहुत विविधता, बहुत तरह के तर्क वितर्क, बहुत तरह की शंकाएं, जिज्ञासाएं विविध श्रोताओं के द्वारा आती चली जा रही हैं और साथ ही यहाँ ध्रुवधाम में स्थित ध्रुवधाम के विद्यार्थी भी अनेक तरह की शंकाएं दे रहे हैं। अभी तक चौथे पांचवें गुणस्थान संबंधी जितना भी अपना प्रकरण चला उसी के अंतर्गत अनेक अनेक शंकाएं ध्रुवधाम के विद्यार्थियों द्वारा यहाँ पर आई हैं। करीब आज के इस प्रकरण में 63 शंकाएं और उनका समाधान आज अपन करने का प्रयास करेंगे। जो चौथे पांचवें गुणस्थान के संबंध में उठी उन शंकाओं का समाधान है। इसके अतिरिक्त भी श्रोताओं की भी अनेक तरह की शंकाएं चौथे पांचवें गुणस्थान संबंधी हैं, उनकी भी चर्चा अपन करने वाले हैं। अभी अपन कर रहे हैं चर्चा विद्यार्थियों के द्वारा दिए गए प्रश्नों के हिसाब से। 63 शंका और उनके समाधान, जिससे विषय और भी स्पष्ट होगा, व्यवस्थित होगा। अनेक तरह के प्रश्न जो उठते हैं उन सबका समाधान एक साथ एक जगह उपलब्ध होगा। तो देखते हैं, शुरू करते हैं पहली शंका से। पहली शंका है, देखिए, चौथे गुणस्थान वाला यदि श्रावकाचार आदि के बारे में नहीं जानता, जैसे जमीकंद अभक्ष है तो इसका ज्ञान नहीं है, तो इससे उसके सम्यक्त्व पर प्रभाव पड़ेगा या नहीं? ये प्रश्न है दीपेश जैन उज्जैन, इनका प्रश्न है। प्रश्न आया समझ में? क्या प्रश्न है कि चौथे गुणस्थान वाले यदि श्रावकाचार आदि के बारे में नहीं जानता, जमीकंद अभक्ष है, तो उसके सम्यक्त्व पर प्रभाव पड़ेगा कि नहीं? क्यों नहीं पड़ेगा? संकट आ सकता है। यद्यपि सामान्य रूप से तो ऐसा भी कहते हैं कि सामान्य ज्ञान हो मात्र, जीव जुदा पुद्गल जुदा, उतने से ही काम हो जाता है। इतना विशेष विस्तार से जानने की जरूरत नहीं है, तो भी सम्यक तो रहे, चतुर्थ गुणस्थान रहे, इस अपेक्षा से तो दिक्कत नहीं है। लेकिन कुछ भी ज्ञान ना हो और इस ज्ञान ना होने के कारण से यदि स्वच्छंद हो जाए तब तो समस्या खड़ी हो सकती है। इसलिए जानकारी तो चाहिए ही, लेकिन बहुत विस्तार से ना भी हो तो भी चलेगा। सामान्य जानकारी तो अवश्य चाहिए। यदि सामान्य जानकारी भी नहीं है, भक्ष का बिल्कुल भी विवेक नहीं है, तो कुछ भी खाने लग जाए तो गुणस्थान गिरने की संभावना बिल्कुल है। इसलिए इनकी सामान्य जानकारी तो चाहिए, विशेष विस्तार से हो अथवा नहीं भी हो। चलिए, दूसरा प्रश्न है, तीर्थंकर नाम कर्म के बंद का कारण कोई जीव निश्चय सम्य दर्शन के अभाव में कैसे कर सकता है? ये प्रश्न थोड़ा सा अटपटा है और प्रश्न लिखने वाले हैं गौरव जैन बंडा, मध्य प्रदेश। इनका भाव हो सकता है इस तरह का हो कि तीर्थंकर नाम कर्म के बंद का कारण जीव निश्चय सम्य दर्शन के अभाव में कैसे कर सकता है। माने इनका कहना ये है, कोई जीव तीर्थंकर प्रकृति का बंद कर रहा है तो क्या वह निश्चय सम्यक दर्शन के बिना ही कर सकता है? क्या नहीं कर सकता? मात्र व्यवहार सम्यक दर्शन हो तो तीर्थंकर प्रकृति का बंद हो यह संभव नहीं है, लेकिन निश्चय सम्यक दर्शन होना अनिवार्य है। उसके बिना तीर्थंकर प्रकृति का बंद नहीं होगा। तो निश्चय सम्यक दर्शन किसे कहें? यद्यपि आगम में शास्त्रों में इसके संबंध में बहुत सारी विवक्षाएं हैं, संक्षेप में अपन ऐसा कह सकते हैं कि शास्त्रों में आता है, चाहे प्रथमोपशम सम्यक तो हो, चाहे द्वितीयोपशम सम्यक तो हो, क्षयोपशम सम्यक तो हो, अथवा शायक सम्यक तो हो, चारों ही प्रकार के सम्यक दर्शन
में से कोई भी सम्यक दर्शन हो उसमें तीर्थंकर प्रकृति का बंध हो सकता है, कोई बाधा नहीं है। और ये चारों के चारों सम्यक्त निश्चय सम्यक्त ही हैं। कहीं किसी विवक्षा में किसी को व्यवहार सम्यक दर्शन भी कह दिया, लेकिन ये सभी निश्चय सम्यक दर्शन है और इनके होने पर तीर्थंकर प्रकृति का बंध हो सकता है जो प्रयास करे, प्रयत्न करे। चलिए अगला प्रश्न है, तीसरा, लब्धि अपर्याप्तक और लब्धि पर्याप्तक में क्या अंतर है? ये संयम जैन फुटेरा है मध्य प्रदेश से, उपाध्याय कनिष्ठ के विद्यार्थी हैं, इनने थोड़ा बहुत सुन लिया होगा। लब्धि अपर्याप्तक और लब्धि पर्याप्तक क्या होता है? लब्धि पर्याप्तक वो जीव होते हैं जिनकी आयु एक श्वास के 18वें भाग होती है, शुद्र भाव वाले कहलाते हैं, वे लब्धि अपर्याप्तक कहलाते हैं। उनके उस जीवन काल में एक भी लब्धि की पूर्णता नहीं होती है, वे कहलाते हैं लब्धि अपर्याप्तक। ठीक है, माने एक भी पर्याप्ति की पूर्णता नहीं होती है, कहने का मतलब यह है। पर्याप्तियां कितनी होती हैं? 6, आहार, शरीर, इंद्रिय, श्वासोच्छ्वास, भाषा और मन, ये 6 पर्याप्तियां। एक इंद्रिय की होती हैं शुरू की 4, 2 इंद्रिय की होती हैं 5 और संगी पंचेंद्रिय की होती हैं 6। उनमें से एक भी पर्याप्ति जिनकी पूर्ण नहीं होती वे अपर्याप्तक अथवा लब्ध पर्याप्तक कहे जाते हैं, अथवा जिनके अपर्याप्त नाम कर्म का उदय होता है वे लब्ध पर्याप्तक कहलाते हैं। और लब्धि पर्याप्तक, जिनके पर्याप्तक नाम कर्म का उदय होता है वे लब्धि पर्याप्तक, यद्यपि ऐसा शब्द शास्त्रों में नहीं मिलता है, लब्धि पर्याप्तक सीधा पर्याप्तक ही मिलता है, लब्धि पर्याप्तक कुछ नहीं होता। फिर भी यदि लिखा है तो उसका भाव रूप में देखें तो जो पर्याप्तक जीव होते हैं वे लब्धि पर्याप्तक, पर्याप्त पर्याप्तियों की जिनको लब्धि माने प्राप्ति हो गई है इसलिए वे पर्याप्तक कहलाते हैं। इतना अंतर इसमें जानना चाहिए। कभी कभी प्रश्न भी ऐसे बन जाते हैं कि वो मैं चीनी खाते के समाधान कैसा दिया जाए, इसलिए प्रश्न भी बहुत सावधानी से बनाना चाहिए। नंबर 4, चौथे गुण स्थान में तीनों सम्यक्त्व की अपेक्षा कौन सी समानता व असमानता है? सूरज काले राजुरा राव, ये महाराष्ट्र के निवासी हैं, क्या बोले हैं? चौथे गुण स्थान में तीनों सम्यक्त्व की अपेक्षा कौन सी समानता असमानता है? अपन ने भी चौथा गुण स्थान पढ़ा, तो चौथे गुण स्थान में तो सम्यक दर्शन के जो तीनों अपन ने भेद जाने थे श्रद्धा अपेक्षा निरूपण में, सम्यक्त्व अपेक्षा निरूपण में, तो वहां पर तीनों सम्यक्त्व में बहुत सारे भेद किए कि किस तरह से सम्यक्त्व में भेद हो सकते हैं, इन सब की चर्चा अपन वहाँ विस्तार से कर चुके हैं। यदि वो 8-9 पॉइंट फिर से दोहराएंगे तो विस्तार बहुत ज़्यादा हो जाएगा। समानताएं भी हैं, श्रद्धा हुई, सम्यक श्रद्धा हुई, सम्यक दर्शन हो गया, तो ये तो तीनों में समानता है। आत्मश्रद्धान है ही, देवशास्त्र गुरु का श्रद्धान है ही, सुपर भेद विज्ञान है, ये तीनों सम्यक्त्व में है, तो समानता भी है ही तीनों में। और असमानता के लिए बहुत सारे बिंदु अपन ने देखे ही हैं, तो वहाँ से अच्छे से एक बार फिर से पढ़ लें, उसमें कोई समझ में ना आए तो जरूर कह सकते हैं। ठीक है, चलिए नंबर 5वां पॉइंट अपन देखते हैं। 5वें गुण स्थान में जो जीव जो 11 प्रतिमा धारण करता है तो उसमें 10 धर्म भी समा जाते हैं क्या? सुप्रीम जैन पड़ावा, क्या बोले हैं? 11 प्रतिमाओं का पालन करता है कौन? 5वें गुण स्थान वाला, तो उसमें 10 धर्म भी समा जाते हैं क्या? देखिए 10 धर्मों की मुख्यता तो मुनिराजों के है, क्यों? उत्तम, क्षमा, मार्दव, आर्जव, सोच, सत्य, संयम, तप, त्याग। और जो आकिंचन है, आकिंचन माने परिग्रह से रहित, ये परिग्रह से रहित तो कौन होते हैं? परिग्रह 24 भेद त्याग करे मुनिराज जी, और फिर ब्रह्मचर्य, तो मुख्यता तो मुनिराजों की है, उन्हीं के 10 धर्म पाए जाते हैं, उन्हीं के अकिंचन और ब्रह्मचर्य आदि धर्म हैं। फिर भी सामान्य रूप से जितनी कषायों का भाव हुआ है उसकी अपेक्षा से कथनचित चौथे के, कथनचित 5वें के भी 10 धर्म कहे जा सकते हैं, इसमें बाधा नहीं है। क्षमा आदि धर्म चतुर्थादि गुण स्थानों से प्रकट हो सकते हैं,
जितनी कसाय का अभाव हुआ उस अपेक्षा से, बाकी वास्तव में तो 3 कसाय चौकड़ी के अभाव वाले मुनिराज और वहाँ से ऊपर 10 धर्मों का कथन जानना चाहिए। चौथे गुण स्थान में सिद्ध समान शायक सम्यक दर्शन होता है तो वह आगे चलकर छूटता है या नहीं? प्रश्न है कि चौथे गुण स्थान में ये शायक सम्यक दर्शन हो गया किसी को और वह किसके समान है? सिद्धों के समान है, क्योंकि चौथे गुण स्थान में भी दर्शन मोहिनी का और अनंतानुबंधी का नाश हो गया, सिद्धों के भी वैसे ही है, तो दोनों में कोई अंतर नहीं है। तो प्रश्न इनका यह है कि तो आगे चलकर छूटता है या नहीं, कैसे छूटेगा? वह शायक सम्यक दर्शन कभी नहीं छूटता, एक बार हो गया तो हो गया, अनंत काल तक के लिए बना रहता है। आगे देखते हैं, आकाश जैन का प्रश्न था, अब सातवां प्रश्न है, ऋषभ जैन आगरा यूपी। आपने कहा था कि चौथे गुण स्थान में अतीन्द्रिय सुख की शुरुआत होती है तो जीव सुखी तो हो जाता है, फिर गिरता बढ़ता क्यों है, उसी में ही रहे? सही बात है, इनका प्रश्न है कि जब चौथे में अतीन्द्रिय आनंद की शुरुआत हो जाती है तो वहीं रहे, फिर ऊपर नीचे क्यों गिरता है? कभी नीचे चला जाता है, कभी ऊपर के गुण स्थानों में चला जाता है, ऐसा क्यों? देखो, वहां पर कहा था सुख की, अतीन्द्रिय सुख की शुरुआत होती है, पूरा तो हुआ नहीं, तो पूरे के लिए प्रयत्न करेगा। कोई व्यक्ति अधूरा कुछ नहीं चाहता, पूरे ही सुख चाहता है, तो पूरे सुख के लिए प्रयत्न करता है, तो पूरे सुख के प्रयत्न के लिए कभी आगे भी बढ़ जाता है और कभी पुरुषार्थहीन हो जाए तो पीछे भी आ जाता है, नीचे भी गिर जाता है, तो ऐसा भी हो सकता है। लेकिन प्रयास तो करना चाहिए कि पूरा सुख मिले, उसके लिए निरंतर अभ्यास जारी होना चाहिए जिससे आगे बढ़ते रहें। हमें शुरुआत नहीं, पूर्णता चाहिए, हमें तो पूर्ण दशा ही चाहिए और सादी अनंत का आनंद लहिए, ना अधूरा ना शुरुआत, इससे लाभ नहीं है। आगे देखते हैं आठवां प्रश्न, शायक सम्यक दर्शन के पहले 2 बार त्रिकरण प्रणाम होते हैं, वे कौन कौन से हैं? अनुराग जैन पटेरा, इनका कहना है शायक सम्यक दर्शन के पहले 2 बार 3 करण प्रणाम होते हैं, तो कौन कौन से, तो सब बता चुके हैं, फिर भी सुन लें। 2 बार 3 करण प्रणाम होते हैं, अधाकरण, अपूर्वकरण, अनिवृत्तिकरण, ये होते हैं तीनों, और 2 बार होते हैं। 2 बार क्यों होते हैं? 1 बार अनंतानुबंधी की विषय योजना के लिए, दूसरी बार दर्शन मोह के क्षय के लिए, ये 2 बार होते हैं, ऐसा जानिए। आगे प्रश्न नंबर 9, 1 बार चौथे गुण स्थान में आकर दोबारा पहले में जाना अनिवार्य है क्या? नमन जैन रुरावन, क्या है प्रश्न इनका कि 1 बार कहां पर आ जाए? चौथे में आकर दोबारा पहले में आना अनिवार्य है क्या? कोई अनिवार्य नहीं है, कोई जीव चौथे में गया और चौथे से फिर ऊपर के ऊपर चला जाए और मोक्ष भी चला जाए, ऐसा हो सकता है, तो चौथे के बाद पहले में आना अनिवार्य नहीं है। अगला प्रश्न 10वां, मिथ्यात्व गुण स्थान से 7वें गुण स्थान में और चौथे से 7वें गुण स्थान में द्रव्यलिंगी मुनिराज ही गमन करते हैं, ऐसा क्यों कहा? पहले इनका प्रश्न बहुत बड़ा है, अपन पहले इतना ही देखते हैं, ऐसा क्यों कहा? कहां से? पहले मिथ्यात्व गुण स्थान से 7वें में और चौथे से भी 7वें में कौन से मुनिराज जाते हैं? द्रव्यलिंगी, पहले से भी जाते हैं, चौथे से भी जाते हैं, 5वें से भी जाते हैं, तो ये सब द्रव्यलिंगी ही जाते हैं। क्यों जाते हैं? क्योंकि पहले में दीक्षा लेंगे तो द्रव्यलिंगी, चौथे में दीक्षा लेंगे तो द्रव्यलिंगी, 5वें में दीक्षा लेंगे तो भी द्रव्यलिंगी, और ये ही जब पुरुषार्थ करते हैं तो 3 कसाय चौकड़ी का भाव करके सीधे 7वें गुण स्थान में भावलिंगी हो जाते हैं, ऐसा ही नियम है। तो ये द्रव्यलिंगी ही जाएंगे, भावलिंगी तो जा नहीं सकते क्योंकि भावलिंगी तो पहले ही ऊपर हो गए, द्रव्यलिंगी ही जाते हैं, एक बात। दूसरा इनका कहना है कोई भी वृत्ति या अविरत सम्यक दृष्टि, वृत्ति वृत्ति माने 5वें गुण स्थान वाला वृत्ति श्रावक, या अविरत सम्यक दृष्टि माने 4थे गुण स्थान वाला श्रावक, 7वें में गमन करके 6ठे में आकर बाह्य दिगंबर मुनि दीक्षा धारण क्यों नहीं कर सकते? इनका कहना है कि कोई सीधा कहाँ पहुंच जाए, श्रावक हो अथवा व्रती श्रावक,
घर में ही रहता है, गृहस्थ है, कपड़े पहने हैं, और वह सीधा का सीधा कहाँ चला जाए, सातवें में चला जाए, माने आत्म ध्यान लगाए और तीन कसाय चौकड़ी का भाव करे और सातवें में चला जाए, और सातवें से लौट के आए छठे में आए, और छठे में फिर कपड़े उतारे, नगर दिगंबर दीक्षा दे, हैं? ये कैसे संभव है? ये तो हो ही नहीं सकता है, असंभव है कि पहले सातवें में जाए गृहस्थ, फिर छठे में आए और फिर छठे में आके दीक्षा लें, ऐसा नहीं। दीक्षा तो पहले चौथे अथवा पाँचवें में हो जाती है, उसके बाद सातवें में जाते हैं नगर दिगंबर साधु, और फिर छठे में आते हैं, यह क्रम जानना चाहिए। अगला प्रश्न नंबर 11, क्या एक जीव के एक समय में एक साथ दो प्रकृति का उदय हो सकता है क्या, जैसे सम्यक प्रकृति व अप्रत्याख्यानावरण कषाय का उदय? अनुराग जैन डबरा, जिला ग्वालियर। चलिए ठीक है, मुझे दतिया ध्यान आता है बार बार, ग्वालियर है लेकिन इनका जिला। दतिया कहने में थोड़ी शर्म लगती होगी, है ना? अच्छा, है ही नहीं तो क्यों कहें, सही बात है, शर्म की बात ही नहीं है। सही जवाब दिया एकदम। तो इनका प्रश्न है कि एक साथ दो प्रकृतियों को दया सकता है, एक साथ दो क्या अनेकों का आ सकता है, इसमें क्या बाधा है? इनने उदाहरण दिया सम्यक प्रकृति व अप्रत्याख्यानावरण कषाय का उदय, बिल्कुल आ सकता है। चौथे गुण स्थानवर्ती कोई जीव है तो उसके सम्यक प्रकृति का उदय होने से क्षयोपशम सम्यक्त भी है और अप्रत्याख्यानावरण का उदय है, इसलिए वह जीव चौथे गुण स्थान में है। इसलिए सम्यक प्रकृति का उदय और अप्रत्याख्यानावरण दोनों का उदय एक साथ हो सकता है, इसमें कोई बाधा नहीं है। ऐसे और भी अनेक प्रकृतियों का उदय एक साथ हो सकता है, उसमें कोई बाधा नहीं आती है। चलिए प्रश्न नंबर 12, 12 नंबर का प्रश्न है, चौथे गुण स्थान से आगे, एक सेकंड, ये जो 11 में है ना, यहाँ थोड़ा एक चीज और खुलासा कर देता हूँ। इनका प्रश्न हो एक साथ दो प्रकृतियों का उदय, कोई कोई ऐसी हो भी सकती हैं जिनका एक साथ उदय नहीं आएगा, ऐसा भी हो सकता है, सर्वथा नहीं, किसी का भी सबका आ सकता है। जैसे उदाहरण के लिए मिथ्यात्व का भी उदय हो और तीर्थंकर प्रकृति का भी उदय हो, पहला मिथ्यात्व गुणस्थान में है जीव और मिथ्यात्व प्रकृति का उदय है और तीर्थंकर प्रकृति का उदय है, अथवा और भी ऐसे पहले मिथ्यात्व गुणस्थान में मिथ्यात्व प्रकृति का भी उदय है और आहार अद्वैत का उदय हो, कैसे हो सकता है, संभव नहीं है। तो कुछ प्रकृतियां ऐसी होती हैं जिनका एक साथ उदय संभव नहीं है, लेकिन कुछ प्रकृतियां ऐसी होती हैं जिनका एक साथ उदय संभव है, कोई बाधा नहीं। अब प्रश्न फिर से 12, चौथे गुणस्थान से आगे असंयम का अभाव क्यों नहीं कहा? कुलदीप सावलकर, अमरावती, महाराष्ट्र। इनका प्रश्न समझें, चौथे गुणस्थान से आगे असंयम का अभाव क्यों नहीं कहा, कैसे कह सकते हैं? असंयम तो चौथे के ऊपर भी है, चौथे में तो असंयमी है ही, पांचवे में भी देश संयमी है, देश संयमी है का मतलब एक देश असंयमी भी है, इसलिए चौथे के ऊपर भी असंयमपना है, पांचवे तक एक देश असंयम वहां पर भी है, इसलिए संयम तो वहां पर भी कहा जाएगा। अगला प्रश्न, सर्वार्थ सिद्धि के देवों से भी अधिक सुखी हैं पांचवें गुण स्थान के जीव, इसका पता कैसे चलेगा? प्रदीप जैन, रानी ताल, बड़ा मलेरा छतरपुर, ने तो पूरा एड्रेस लिख दिया कि चिट्ठी लिख दी जाए। क्या प्रश्न क्या पूछा है, माने ऐसा जैसे उनने कहीं से, पहले के जमाने में नहीं होता था, प्रश्न भेजा और पूरा एड्रेस के साथ, अब आप इसका उत्तर भेजिए लिखित में, घर पे पहुंचना चाहिए, है ना? ये भी घर पे पहुंच जाएगा, कहाँ जाओगे, दुनिया में हर कोने में पहुंचेगा। तो प्रश्न इनका समझ में आ गया, सरल है, सर्वार्थ सिद्धि के देवों से भी अधिक सुखी पांचवें गुण स्थान वाले हैं, ये कैसे पता चलेगा? ये ऐसे पता चलेगा, या तो स्वयं हम पांचवें वाले हो जाएं, एक बार चौथे सर्वार्थ सिद्धि का सुख भोग लें, और फिर उसके बाद यहाँ मनुष्य गति में अथवा त्रयंची गति में आए और पांचवा गुण स्थान धारण कर लें, तो अनुभव से पता चले। एक बात मान लो ऐसा, इतनी बहुत बहुत लंबी प्रक्रिया है, पहले सर्वार्थ सिद्धि जाएं, फिर यहाँ अनुभव करें, इससे अच्छा सीधा सीधा आगम से जान लें। आगम में शास्त्रों में कहा है सर्वार्थ सिद्धि के देवों के मिथ्यात्व और अनंतानुबंधी
कसाय चौकड़ी का अभाव है, और पांचवें गुण स्थान वाला जो मनुष्य हो अथवा त्रेंच हो उसके मिथ्यात्व के साथ अनंतानुबंधी और अनंतानुबंधी के अलावा अप्रत्याख्यानावरण कषाय का भी अभाव है, अनुदय है। इसलिए वह जीव ज्यादा कषाय के अनुदय से अथवा अभाव से ज्यादा सुखी होगा। सर्वार्थ सिद्धि के जो देव हैं उनके अप्रत्याख्यानावरण कषाय का उदय है, और यहाँ पांचवें गुण स्थान वाले के अप्रत्याख्यानावरण कषाय का अनुदय है अथवा अभाव है। इस कारण से पांचवें गुण स्थान वाले जीव सर्वार्थ सिद्धि के देवों से भी अधिक सुखी हैं, ऐसा जाने। आगे भूषण काले गोरे केज महाराष्ट्र। औपसमिक सम्यक्त की उत्पत्ति के समय गुण श्रेणी निर्जरा होती है, तो शायोसमिक सम्यक्त के समय क्यों नहीं होती है? माना कि उसमें दोष लगते हैं, परंतु कुछ तो होती ही होगी। देखिए, वैसे कहीं कहीं तो एक सामान्य ही कथन लिखा है कि सम्यक्त की उत्पत्ति के समय निर्जरा, गुण श्रेणी निर्जरा कही, तो सम्यक्त वहां भेद तो नहीं किया, तो इसलिए कदाचित ऐसा भी अर्थ निकाला जा सकता है कि चाहे औपसमिक हो, चाहे शायोपसमिक हो, चाहे शायक हो, ऐसा भी अर्थ निकाल सकते हैं। लेकिन कहीं कहीं पर ऐसा अर्थ भी निकाला गया है कि वहाँ जो सम्यक्त की उत्पत्ति का समय कहा, तो वहाँ पर सम्यक्त की उत्पत्ति का मतलब प्रथमोपशम सम्यक्त की ही मुख्यता ली है, इसलिए वहाँ पर विशुद्धि ज़्यादा है, पूर्ण निर्मल है, और अधिक विशुद्धता से आगे बढ़ के आया है, क्योंकि प्रथमोपशम सम्यक्त प्राप्त करने के लिए तीन लब्धि, तीनों कर्ण परिणाम चाहिए, और सर्वोपशम सम्यक्त के लिए दो कर्ण परिणाम, तो उतनी विशुद्धि से नहीं चढ़ता जितनी विशुद्धि से औपसमिक सम्यक्त वाला चढ़ता है, तो उसके इस तरह की निर्जरा विशेष कही गई है, ऐसा जानिए। 14वां प्रश्न, आपने कहा कि चौथे से दसवें तक सुख और दुख है, माने मिश्रता है, माने मिश्रपना है, तो इनको तीसरे में माने मिश्र गुण स्थान में क्यों गर्भित नहीं किया गया है? धीरज काले राजुरा, इनका कहना यह है कि चौथे से दसवें तक भी मिश्रपना है, सुख भी है और दुख भी है, तो तीसरे में क्या है? मिश्रपना है। तो इनका कहना है तो इनको तीसरे में माने मिश्र गुण स्थान में क्यों गर्भित नहीं किया गया? किनको? चौथे से लेके दसवें वालों को कहां गर्भित करना चाहिए? इनका कहना है तीसरे गुण स्थान में ले आना चाहिए सबको। क्यों? तीसरे गुण स्थान का नाम क्या है? मिश्र है। और चौथे से दसवें तक वाले भी कैसे हो गए? मिश्र हो गए। मिश्र कैसे हो गए? सुखी भी हैं और दुखी भी हैं, रागी भी हैं और वीतरागी भी हैं, इसलिए उन मिश्र वालों को सबको तीसरे गुण स्थान में ले आना चाहिए, ऐसा इनका कहना है। लेकिन ऐसा नहीं होगा, तीसरे का मिश्रपना अलग जाति का है और चौथे से दसवें तक का मिश्रपना अलग जाति का है, उसकी इसकी तुलना नहीं हो सकती है, दोनों एकदम अलग अलग हैं। तीसरे वाले तो दुखी जीव हैं और चौथे से सुखी जीव हैं, मिश्रपना है वो अलग जाति का है, इसलिए उनको यहाँ तीसरे में नहीं गर्भित कर सकते। 15वां प्रश्न, औपसमिक शायक और शायोपसमिक सम्यक दृष्टि, इन तीनों को एक समय में मोक्ष हो सकता है क्या? प्रदीप जैन रानीताल, क्या बोले? तीन प्रकार के सम्यक दृष्टि, औपसमिक, शायोपसमिक अथवा शायक, इन तीनों को एक समय में मोक्ष हो सकता है क्या? बिल्कुल नहीं हो सकता, असंभव है। अंतर मुहूर्त तो चाहिए, उसमें भी मुनि दीक्षा धारण फिर सारी प्रक्रिया चलेगी, अंतर मुहूर्त तो लगेगा ही, एक समय में तो मोक्ष जाना किसी को भी संभव नहीं है, चाहे चौथे वाले हों, चाहे छठे सातवें वाले हों, चाहे श्रेणी चढ़ गए हों, चाहे बारहवें वाले हों, चाहे तेरहवें वाले हों, इनके किसी के भी एक समय में मोक्ष नहीं होगा, चौदहवें वाले के भी नहीं होगा, चौदहवें वाले के बिल्कुल अंतिम समय जब पहुंच जाएंगे वहां होगा। चलिए आगे प्रश्न 16वां, अनादि मिथ्या दृष्टि के तो एक अखंड दर्शन मोह का उदय है, ठीक है, किसके? अनादि मिथ्या दृष्टि के एक अखंड दर्शन मोह का उदय है, तो वह सम्यक्त प्राप्त करते समय सात प्रकृतियों का उपशम क्षय कैसे कर सकता है? जीव जैन पड़ावा का प्रश्न है। देखिए,
अनादि मिथ्या दृष्टि जीव है, वास्तव में तो देखा जाए वह पांच प्रकृतियों का ही उपशम करता है, क्योंकि उसके पांच ही सत्ता में है, अनंत अनुमंदी चार और दर्शन मोहिनी एक। तो इस अपेक्षा से पांच का ही वह उपशम करता है। लेकिन एक विवक्षा और कक्षा बताई गई थी, कौन सी, कि यदि उस विवक्षा का अनुसरण करें कि किन्हीं आचार्यों के अनुसार तीन टुकड़े अपूर्व करण में ही हो जाते हैं, अपूर्व करण परिणाम से ही तीन टुकड़े तो वहां पर ही हो गए, पहले गुण स्थान में ही, तो तीन टुकड़े हो जाने के कारण से है करण लब्धि के समय, जो करण लब्धि है उसमें ही तीन टुकड़े तो वहीं पर हो गए। अब तीन टुकड़े हो गए, मिथ्या तो सम्यक मिथ्या, सम्यक प्रकृति तो तीन ए, अनंत अनुबंधी चार, तो इन सातों का उपशम अनादि मिथ्या दृष्टि जी भी सम्यक तो प्रकट जब करता है प्रथम उपशम, तो वहां पर सातों का उपशम कर देता है। तो इस विवक्षा के अनुसार सातों का भी कर सकता है, नहीं तो सामान्य नियम के अनुसार दर्शन मोहिनी एक और अनंत अनुबंधी चार, इस तरह से पांच प्रकृतियों का उपशम करके औपशमिक सम्यक दृष्टि होता है। अगला प्रश्न, चतुर्थ गुण स्थान में ग्रहित मिथ्यात्व का पूर्णता भाव हो जाता है क्या? दीपक जैन बंडा का प्रश्न है। चतुर्थ गुण स्थान में बिल्कुल ग्रहित मिथ्यात्व का पूर्णता अभाव ही है, यदि अभाव नहीं होता तो चौथे में आता ही नहीं। ग्रहित का तो पहले ही अभाव हो जाता है पहले में, और फिर उसके बाद अग्रहित का अभाव करके चौथे में आते हैं, ऐसा जानना चाहिए। चौथे में ग्रहित की संभावना दूर दूर तक नहीं है, असंभव है। अगला प्रश्न 18वां, पंचम गुण स्थान वर्ती श्रावक बीमार हो सकता है कि नहीं? ये गजब का प्रश्न है, ये प्रश्न पूछने वाले भी गजब के ही होंगे, अभी देखते हैं कौन है। यदि बीमार होगा तो औषधि आदि ग्रहण करने में प्रतिमाएं गिरेंगी या नहीं, क्या नहीं? ये शुभम जैन, अच्छा बमनोरा, इनका प्रश्न है। अरे बीमार तो मुनिराज भी हो सकते हैं, तो ये तो श्रावक है, बीमार होना अलग मैटर है, और कषायों का दबना या अभाव होना या बना रहना ये अलग बात है, ये शरीर की अवस्था है, कुछ भी हो सकता है। पंचम गुण स्थानवर्ती श्रावक बीमार हो सकता है कि नहीं? एक बात हो गई कि बीमार हो सकता है, कोई दिक्कत नहीं। दूसरा, यदि बीमार होगा तो औषधि आदि ग्रहण करने में प्रतिमाएं गिरेंगी या नहीं? देखिए, औषधि यदि शुद्ध सात्विक है तो कहीं कोई बाधा नहीं है, और अभी तो उसकी भूमिका के अनुसार औषधि लेने में कोई बाधा नहीं। हाँ, अशुद्ध दवाइयां ना ले, अंग्रेजी दवाइयां जितनी भी अभक्ष है तो ले ही नहीं, और जो शुद्ध जो जड़ी बूटी होती हैं, जहाँ कोई किसी भी तरह से हिंसा नहीं होती हो, जीवों का घात नहीं होता हो, इस तरह की औषधि लेने में कोई बाधा नहीं, प्रतिमा गिरने वाली नहीं है। अगले 19वां प्रश्न है, पांच लब्धियों में से करण लब्धि कौन से गुण स्थान तक होती है? अभिषेक जैन डबरा का प्रश्न है, इनका प्रश्न समझ में आया। पांच लब्धियों में से करण लब्धि कौन से गुण स्थान तक? पहले ही गुण स्थान में, पहले ही गुण स्थान से शुरू होती है और पहले ही गुण स्थान तक होती है, ना उसके पहले गुण स्थान के नीचे और ना पहले गुण स्थान के ऊपर। करण लब्धि, ठीक है, करण परिणाम की बात नहीं कर रहे हैं, करण लब्धि। चलिए अगला प्रश्न 20वां, चौथे गुण स्थान में दर्शन मोहिनी कर्म का क्या निमित्तपना है? हाँ ठीक है, इनका प्रश्न है, समझ में थोड़ा है, अटपटा सा घुमावदार। शिवम जैन दिल्ली है, तो ये कहाँ के? भिंड में, मेहगांव। चलो लेकिन दिल्ली कहने में अच्छा लगता है कि हम दिल्ली के निवासी हैं, है ना, चलो कोई बात नहीं, दिल्ली के ही समझ लें। इनका दिल्ली से प्रश्न है, क्या है, अभी तो दिल्ली ही गए हैं। चौथे गुण स्थान में दर्शन मोहिनी कर्म का क्या निमित्तपना है? निमित्तपना है चौथे गुण स्थान में दर्शन मोहिनी का अनुदय है अथवा क्षय भी है। कौन से गुण स्थान में? चौथे गुण स्थान में। यदि उपशम एक सम्यक दर्शन हो तब तो अनुदय है, उपशम है, ऐसा कहें। शायद उपशम एक सम्यक तो हो तो मिथ्यात्व सम्यक मिथ्यात्व का उदय अभावी क्षय सदवस्था रूप उपशम और सम्यक प्रकृति का उदय है, और शायद सम्यक तो हो तो दर्शन मोहिनी का पूर्णतः अभाव है। ये वहां पर चौथे गुण स्थान में निमित्तपना जानना चाहिए। 21वां प्रश्न, अनंत अनुबंधी का अनुदय होने पर भी यदि तीव्र कषाय जागृत हो
तो गुलिस्तान गिरता है या नहीं, दीपेश जैन उज्जैन, क्या कहना है इनका? अनंतानुबंधी का अनुदय होने पर भी, ओके अनंतानुबंधी का अनुदय हो गया, यदि तीव्र कषाय जागृत हो, तीव्र कषाय में कौन सी कषाय, तीव्र कषाय में अब कौन सी कषाय, तो गुलिस्तान गिरता है या नहीं, यदि चौथे गुलिस्तान में है और अनंतानुबंधी का अनुदय है, ठीक है, अब तीव्र कषाय का उदय हो तो कौन सी तीव्र, अनंतानुबंधी का ही उदय आएगा तो गिरेगा, और ऊपर की उदय तो वैसे ही चल रही है, अप्रत्यक्षानावरण कषाय का तो उदय चल ही रहा है, उससे तो चौथा गुलिस्तान हुआ ही है, अब तीव्र कषाय का उदय माने अनंतानुबंधी का उदय आ जाए तो गुलिस्तान गिरे, वो भी कहाँ कहाँ गिर सकता है उसकी विवक्षाएं हैं, ठीक है, गिर सकता है, कोई बाधा नहीं है। चलिए अगला प्रश्न, अरे वाह, हाँ अगला प्रश्न है 22वां, चौथा गुणस्थान चारों गतियों में संगी पंचेंद्री जीवों को होता है, चौथा गुणस्थान किसको होता है, चारों गतियों में होता है और संगी पंचेंद्री जीवों को होता है, माता के गर्भ में तीर्थंकर के भी वही गुणस्थान होता है, तो फिर उनमें और अन्य जीवों में क्या अंतर हुआ, प्रश्न है ऋषभ जैन आगरा का। माता के गर्भ में चतुर्थ गुणस्थानवर्ती जीव है, ठीक है, कोई बाधा नहीं, और अन्य जो चारों गतियों में जो सम्यक दृष्टि जीव हैं वे भी हो सकते हैं, तो इनका कहना है कि उनमें और इनमें क्या अंतर है, सम्यक दर्शन सम्यक दर्शन है, अब चाहे वो माता के गर्भ में हो चाहे माता के गर्भ के बाहर हो, किसी को भी हो, तो श्रद्धांत तो सबका यथायोग्य सम्यक ही है, इसलिए उसमें कोई अंतर नहीं है। अगला प्रश्न, अणुव्रतों या महाव्रतों का पालन करना सम्यक्त के लिए कार्यकारी है या नहीं, गौरव जैन बंडा का प्रश्न है, क्या प्रश्न है, सम्यक्त के लिए अणुव्रतों महाव्रतों का पालन कार्यकारी है या नहीं, पालन करो तो कोई बाधा नहीं, अच्छी बात है, लेकिन उसके कारण से सम्यक दर्शन हो जाता हो या उसके नहीं होने पर सम्यक दर्शन रुक जाता हो, ऐसा नहीं है, पालन करें अच्छी बात है, पहले अणुव्रत महाव्रत हो जाएं कोई दिक्कत नहीं, दीक्षा ले लें, सम्यक दर्शन बाद में भी हो जाए, कोई बाधा नहीं है, लेकिन उनके होने से सम्यक दर्शन हुआ ऐसा भी नहीं, और उनके नहीं होने से सम्यक दर्शन रुक जाए ऐसा भी नहीं, इसलिए फर्क नहीं पड़ता है, लेकिन पालन कोई यदि करता है तो कोई दिक्कत नहीं है। अगला प्रश्न 24वां प्रश्न है, कहते हैं कि सम्यक दृष्टि के भोग भी निर्जरा के कारण हैं, सो भोगों से तो बंध होता है, फिर निर्जरा क्यों कही, कौन है आकाश जैन, प्रश्न आया समझ में, प्रश्न है, कहते हैं सम्यक दृष्टि के भोग भी निर्जरा के कारण हैं, सो भोगों से तो बंध होता है, निर्जरा क्यों कही, पहले ही कह चुके हैं सम्यक दृष्टि के भोग निर्जरा के कारण नहीं है, कहीं ऐसा लिखा मिल जाए, भाषा इस तरह की लिखी हो, कोई बोल दे कोई बात नहीं बोलने दो, लेकिन जो इतना समझ चुके हैं कर्णानयोग का जिनको अभ्यास है वे उसका अर्थ निकाल लेंगे, क्या निकाल लेंगे कि यहां जो कथन किया गया है वो उसमें क्या विवक्षा है, कहीं कहीं ऐसा लिखा है कि ज्ञानवंत के भोग निर्जरा हेतु हैं, अज्ञानी को वही कर्म फल देतु हैं, यह अचरज की बात ही नहीं आवही, पूछे को शिष्य गुरु समझावही, नाटक समय सार में प्रश्न उठाया ऐसा कि सम्यक दृष्टि के भोग निर्जरा हेतु हैं, ऐसा कहा, तो देखो वहां पर जो प्रश्न उठाया और उसका समाधान किया है उन सबका सार कर्णानयोग की भाषा में अपन समझते हैं, भोग चाहे किसी के हों, सम्यक दृष्टि के हो चाहे मिथ्या दृष्टि के हो, भोग तो बंदे के ही कारण होते हैं, लेकिन सम्यक दृष्टि के भोगों को निर्जरा का कारण यदि कहीं कहा हो इस भाषा में तो हाँ इतना समझना भोगों से निर्जरा नहीं, भोग के काल में निर्जरा है, भोग के काल में जितनी कषाय का उसके अभाव है, राग का जितने अंश में अभाव है उतनी निर्जरा हो रही है, और जितने रागांश विद्यमान है उससे बंद भी हो रहा है, इसलिए भोग से तो बंद ही है, माने भोग में जो राग है
उससे बंद है और उस जहाँ राग नहीं है, रागांश नहीं है, उतने में निर्जरा है, ऐसा दोनों तरफ से जानिए। अगला प्रश्न, चौथे गुण स्थान में जीव के त्रस्य स्थावर हिंसा रहती है तो उसके अनंत अनुबंधी कषाय का अभाव या विसंयोजना कही जाती है। यहाँ पर हिंसा तो है, फिर कषाय का अभाव कैसे कहा गया है? सुप्रीम जैन का प्रश्न है। जो चौथे गुण स्थान में अनंत अनुबंधी की विसंयोजना हो सकती है, कोई बाधा नहीं, तो इनका कहना है त्रस्य स्थावर की हिंसा भी उसके हो सकती है, होती है, हो जाती है, क्योंकि त्रस्य स्थावर की हिंसा का त्याग अभी चौथे गुण स्थान वाले के भी नियम पूर्वक नहीं हुआ है। वह प्रयास तो करता है कि त्रस्य और स्थावर की हिंसा ना हो पूरी तरह से, लेकिन फिर भी नियम पूर्वक त्याग नहीं है। त्रस्य की भी हिंसा हो सकती है, स्थावर की भी हो सकती है, और सम्यक दृष्टि भी बना रह सकता है, और अनंतानुबंधी का की विषय योजना भी रह सकती है, सब हो सकता है, कोई बाधा नहीं है। आगे 26वां, यदि कोई मनुष्य अणुव्रत आदि को ग्रहण करे और दो कषाय चौकड़ी का अभाव कर दिया है तो उसे वीतरागता व्यक्त ना हो तो क्या है आगे के गुण स्थान में नहीं जा सकता है? अनुराग जैन पटेरा का प्रश्न बहुत घुमावदार प्रश्न है, फिर भी घुमावदार को अपन एकदम सीधा करते हैं। इनका प्रश्न, यदि कोई मनुष्य अणुव्रत आदि को ग्रहण करे, ठीक है, अणुव्रत ग्रहण कर लिए, पांच पापों का एक देश त्याग हो गया, और दो कषाय चौकड़ी का अभाव कर दिया है, दो कषाय चौकड़ी भी चली गई, कौन से गुण स्थान में आ गया? पांचे में आ गया, तो उसे वीतरागता व्यक्त ना हो। इनका कहना वीतरागता व्यक्त ना हो कैसे नहीं होगी? वीतरागता तो व्यक्त होगी होगी, दो कषाय चौकड़ी के अभाव रूप वीतरागता तो व्यक्त होगी ही, उतनी वीतरागता, तो क्या वह आगे के गुण स्थानों में नहीं जा सकता है? क्या आगे के गुण स्थानों में और प्रयास करेगा तो जाएगा, नहीं करेगा तो वहां रहेगा, लेकिन अभी उसके वीतरागता व्यक्त है दो कषाय चौकड़ी के अभाव रूप, आगे बढ़ेगा तो और कषायों के अभाव से और वीतरागता बढ़ती जाएगी, आगे जा सकता है, कोई बाधा नहीं है। अगला प्रश्न 27वां, अणुव्रत का पालन तो औदयिक भाव है, फिर यह वीतराग भाव रूप निश्चय धर्म कैसे कहा जा सकता है? प्रश्न है नमन जैन रुरावन। क्या प्रश्न इनका? अणुव्रत का पालन तो औदयिक भाव है, क्यों? इनका कहना यह है, एक पक्ष का है इन्होंने, अणुव्रत का पालन औदयिक भाव, अणुव्रत कहते किसे हैं? अणुव्रत को कई बार ज्यादातर लोग अणुव्रत महाव्रत ये तो आश्रव है, आश्रव है, आश्रव है, औदयिक भाव है, सर्वथा नहीं डालना चाहिए। अणुव्रत किसका नाम? तीन चीजों का नाम अणुव्रत है। कौन सी तीन? तीन चीजें वहां विद्यमान हैं। एक तो दो कषाय चौकड़ी के अभाव रूप विशुद्धि, एक दूसरा प्रत्यक्षानावरण कषाय का उदय, उसका उदय दो बात, और तीसरा तदनुरूप आचरण, तदनुकूल क्रिया। तो ये तीनों चीजें जहां विद्यमान हैं उसको कहते हैं अणुव्रत, माने वीतरागता, सरागता और तदनुकूल शरीर आदि की क्रिया, इस सब कुछ उसको अणुव्रत कहते हैं। अपन एकांतिक उसको औदय भाव नहीं कह सकते, बल्कि यहां तो पांचवें गुण स्थान वाले को शैव संभाव भी कह दिया उपचार से, तो शैव संभाव भी कह दिया यहां, क्योंकि प्रत्यक्षानावरण अनंतानुबंधी अप्रत्यक्षानावरण का तो उदयाभाविश है सदवस्था रूप उपशम, और प्रत्यक्षानावरण का कह दिया उदय, इससे उपचार से वहां शैव समय भाव भी घटित किया है, तो शैव समय भाव भी है कथनचित औदय भाव भी है। और यदि अपन ने पांचवा गुण स्थान पढ़ा तो अतिरिक्त चर्चा में देखा वहां पर कौन कौन से भाव हो सकते हैं, वहां शायक भाव भी हो सकता है शायक सम्यक्ति की अपेक्षा, औपसमयिक भाव भी हो सकता है औपसमयिक सम्यक्ति की अपेक्षा, शायक समयिक भाव हो सकता है, वो बहुत सारी विवक्षाएं हैं, फिर औदयिक भाव भी हो सकता है और पारिणामिक भाव भी है, सब है, कोई बाधा नहीं है। इसलिए इसको एक तरफा अणुव्रत का पालन मात्र औदयिक भाव है ऐसा सर्वथा नहीं कहना चाहिए, कथनचित औदयिक भाव है कोई दिक्कत नहीं। चलिए अगला प्रश्न, आपने कहा था कि सम्मूर्छन त्र्यंच इस गुण स्थान को प्राप्त कर सकते हैं, इस गुण स्थान को माने पांचवें गुण स्थान को कौन प्राप्त कर सकते हैं? सम्मूर्छन त्र्यंच, और सम्मूर्छन मनुष्य नहीं
यह तो पक्षपात लगता है, क्योंकि मनुष्य तो त्रेंचों से श्रेष्ठ होते हैं। जीवेश जैन का प्रश्न है, प्रश्न आया समझ में? अपन ने चर्चा की थी समूर्छन मनुष्य को सम्यक दर्शन ही नहीं हो सकता, पांचवा गुण स्थान तो बहुत दूर की बात। कारण क्योंकि उसकी आयु तो एक श्वास के 18वें भाग होती है, लब्ध पर्याप्तक होता है, इसलिए उसे सम्यक दर्शन पांचवा गुण स्थान कुछ नहीं हो सकता। तो फिर समूर्छन त्रेंचों को कैसे हो सकता है, प्रश्न है। समूर्छन त्रेंच जो स्वयंभू रमण समुद्र में रहते ना महामत्स्य, ऐसे और भी हैं, वो तो वहां का उदाहरण दे रहे हैं। तो वे वहां के जो समूर्छन त्रेंच हैं वे पर्याप्तक हैं, और पर्याप्तक होने से उनकी आयु बहुत बड़ी है, इसलिए उनके चौथा गुण स्थान पांचवा गुण स्थान सब हो सकता है। और समूर्छन मनुष्य की आयु श्वास के 18वें भाग है, उसको कुछ भी नहीं हो सकता। इसलिए इस विवक्षा के अनुसार स्पष्ट होता है कि सम्यक दर्शन अथवा पांचवा गुण स्थान पर्याप्तक को कहा, समूर्छन जो अपर्याप्तक मनुष्य है उसको नहीं कहा। अब फिर दूसरी बात और कही, मनुष्य तो श्रेष्ठ है त्रेंचों से, तो मनुष्य कौन से श्रेष्ठ है? समूर्छन नहीं, जो पर्याप्तक संगी पंचेंद्री हैं और वे आगे आगे बढ़ते जाएं, 8 वर्ष की उम्र से आगे हों तो काम के, नहीं तो वो आगे वो भी ना बढ़ पाए। ठीक है, अपेक्षाएं अनेक होती हैं, उन सबको अपन समझें तो सारी बाधाएं समाप्त हैं। अगला प्रश्न है 29वां, पंचम गुण स्थान में जीव व्रत पालन करता है तो पहला दूसरा तीसरा और चौथे गुण स्थान में पालन नहीं कर सकता है, क्यों? हाँ, इनका प्रश्न है समझ में, क्या है प्रश्न? पंचम गुण स्थान में जीव व्रत पालन करता है, ओके, तो पहला दूसरा तीसरा और चौथे गुण स्थान में पालन नहीं कर सकता है, क्यों? प्रश्न किसका है? पूरा एड्रेस ही लिख दिया इन्होंने भी, सिद्धांत अहेर पुसला, तहसील वरुड़, जिला अमरावती, महाराष्ट्र। जैसे वहां से एकदम चिट्ठी आई है, है? तो अब इनका उत्तर तो देना पड़ेगा, इतना बड़ा एड्रेस भी पूरा फुल लिखा हुआ है, है? आया सामान्य प्रश्न। पांचवें गुण स्थान में व्रतों का पालन होता है तो पहले से चौथे में क्यों नहीं? तो सामान्य रूप से पहले से चौथे में भी हो सकता है, कोई बाधा नहीं है, व्रतों को पालन करना बाधा नहीं, लेकिन वो उपचार से कहलाएंगे, वास्तविक नहीं। वास्तविक व्रत तो पांचवें गुण स्थान से ही है, उसके नीचे वास्तविकपना नहीं है, क्योंकि व्रति श्रावक पांचवें गुण स्थान से ही होते हैं, उसके नीचे तो अविरति शब्द दिया है, अविरत है वो, व्रतों का पालन करें तो उपचार लगेगा, वास्तविक नहीं। आगे अगला प्रश्न है 30वां प्रश्न, भव्यत्व शक्ति की अभिव्यक्ति का प्रारंभ चौथे गुण स्थान से ही होता है, लेकिन इसके आगे कहां तक रहता है? शुभम जैन बमनोरा, प्रश्न आया इनका समझ में, भव्यत्व शक्ति की अभिव्यक्ति का प्रारंभ कहां से है? चौथे से ही है, लेकिन इसके आगे कहां तक रहता है? वो तो एक बार चौथे में व्यक्त हो गया तो फिर ऊपर आगे के में तो है ही है, कदाचित नीचे आ जाए तीसरे दूसरे में, वहां पर भी है, और फिर पहले में भी आ जाए, तो एक बार अभिव्यक्ति हो गई तब तो पहले में सादी मिथ्यादृष्टि, पहले में आ गया तो भी सादी मिथ्यादृष्टि है, तो भी उसकी अभिव्यक्ति तो हो ही गई। एक बार बस ऊपर चढ़ जाए तो बिल्कुल स्टार चिन्ह हो गया, लग गया कि ही इज भव्य, कौन है? भव्य है। अगला प्रश्न 30 के बाद 32 आ गया, जीव जब मरण करता नहीं वह तो त्रिकाली है, ठीक है इनका प्रश्न है, जीव मरण तो करता नहीं वह तो कैसा है? त्रिकाली है, बिल्कुल सही। तो किसी को मारने से पाप क्यों लगता है? धीरज काले राजू राव, सही बात है, जीव तो त्रिकाली है, मरता तो है नहीं, ना कोई मार सकता है ना कोई बचा सकता है, तो फिर उसको मारने का पाप क्यों लगता है? एक तरफ तो खुद ही बोल रहे हो कि मरता नहीं, फिर दूसरी तरफ कह रहे हो मारने का पाप क्यों लगता है, जब मरते नहीं तो क्या मारने का पाप है? लेकिन चलो फिर भी दोनों भाषाओं को अपन स्वीकार करते हैं, वास्तव में तो जीव मरता ही नहीं, ये बात परम सत्य है, तथापि जो कह रहे हैं कि फिर मारने का पाप क्यों लगता है, वास्तव में मारने का पाप नहीं लगता, उसके प्रति जो राग आदि भावों की उत्पत्ति है, प्रमाद विद्यमान है, उस प्रमाद से और रागादि भावों से पाप लगता है,
वो पाप उसको मारने से नहीं लगा, क्योंकि हमारे द्वारा तो मरे नहीं, वो तो अपनी आयु से मरा। सच्चाई तो यही है। यद्यपि ये कहना अटपटा लगता है, कोई इसको सुने तो कहेंगे कि अरे इनके यहाँ तो कुछ है ही नहीं सिस्टम, मारो फिर तो, क्यों, वो तो अपनी आयु से मरा। चीटी को मार दिया किसी ने, हमने थोड़ी मारा, वो तो आयु से मरी। वो तो उसका आयु कर्म, वास्तव में देखा जाए तो उसका आयु कर्म समाप्त हो गया था इसलिए मरी, नहीं तो तुम 100 मूल के हो जाते तो चीटी को नहीं मार सकते। रावण तो कितनी मूल का था है? कहते हैं लोग था तो एक ही मूल का है, लेकिन उसको चीटी को यदि उसकी आयु है तो किसी में ताकत नहीं है कि उसको कोई मार सके, इसलिए आयु से ही आयुषय से मरण होता है। तो फिर बात तो ये है, मारने का पाप क्यों लगता है जब हमने मारे ही नहीं? तो मारने का पाप इस अपेक्षा से कि उसके प्रति हमने जो कषाय भाव किया, मारने की बुद्धि जो प्रमाद रूप बुद्धि हुई, उस सबसे पाप लगता है। अपने कषाय भावों से, अपने राग भावों से पाप लगता है, अपने द्वेष भावों से पाप लगता है, मरने मारने से नहीं। क्योंकि मुर्याजों के बारे में तो यही कह दिया कि मुर्याज जब गमन करते हैं ईर्ष्या समिति पूर्वक, तो ईर्ष्या समिति पूर्वक गमन करते हैं, उनके पैर से कोई जीव मर भी जाए तब भी उनके हिंसा का पाप नहीं लगता। क्यों? क्योंकि हिंसा में प्रमाद परिणति मूल है, प्रमाद उनके नहीं होता है, इसलिए उनको पाप नहीं। और अन्य जीवों के अयत्नाचार प्रवृत्ति है, मुनिराजों की यत्नाचार प्रवृत्ति है, इसलिए उन मुनिराजों के हिंसा का पाप नहीं। जीव के मरने पर भी और हमें पाप लगता है, क्योंकि हमारे अंदर अयत्नाचार प्रवृत्ति है, कषायें हैं इसलिए। अगला प्रश्न, 335वें गुणस्थान सहित किसी का जन्म नहीं होता, ऐसा आपने कहा, ठीक है, परंतु तीर्थंकर का जन्म 5वें गुणस्थान सहित होता है क्या? प्रफुल्ल जैन, आरोन, मध्य प्रदेश। क्या कहा था कि किसी भी जीव का जन्म 5वें गुणस्थान सहित नहीं होता है, तो इनका कहना है तो फिर 5वें गुणस्थान सहित तीर्थंकर का जीव तो उत्पन्न होता है ना? बिल्कुल नहीं होता। तीर्थंकर का जीव ही हो, वह भी चतुर्थ गुणस्थान सहित ही उत्पन्न होता है, चौथे गुणस्थान में ही रहता है, गर्भ में चौथा और जन्म लेने पर भी चौथा ही है, 5वें सहित उत्पन्न नहीं होता है। अगला प्रश्न, 34वां, यदि कोई चतुर्थ गुणस्थान वर्ती शायक सम्यक दृष्टि जीव है, कौन से गुणस्थान वाला? चतुर्थ वाला शायक सम्यक दृष्टि जीव है, उसके अनंत अनुबंधी कषाय का 6 है या अनुदय है, क्या है? अनुराग जंडावरा, चतुर्थ गुणस्थान वर्ती शायक सम्यक दृष्टि जीव है, उसके अनंत अनुबंधी का क्षय है, ठीक है, अनुदय नहीं है। वो क्षय भी कैसे हुआ? अनंत अनुबंधी की विषय योजना हुई, और फिर हुई तो हुई, अब दोबारा लौटने वाली नहीं है, इस तरह से उसका विषय योजना पूर्वक क्षय हो जाता है, अब उसका दोबारा उदय होने वाला नहीं है, और वर्तमान में तो उदय नहीं और ना अनुदय, ये ना उदय अनुदय की कोई बात नहीं है, क्षय है सीधा। अगला प्रश्न, 35वां प्रश्न, मुनि बनने का अभ्यास 5वें गुणस्थान से प्रारंभ होता है और पहले से 7वें में जाने वालों का कहां से? सही बात है, प्रश्न इनका है, अपनी चर्चा आई थी 5वें गुणस्थान के संबंध में कि मुनि बनने का अभ्यास तो 5वें से होता है, तो जो पहले में है उनका कहां से होगा? जो पहले में उनका पहले ही से हो जाएगा, जो पहले से सीधे 7वें में गए, पहले से सीधे 7वें में गए, अब 7वें में गए तो पहले ही गुणस्थान में उनकी इतनी तैयारी हो जाती है, यद्यपि जो प्रतिमा धारण आदि करना इस तरह का क्रम वहां नहीं बनेगा, पहले में दीक्षा ली और वहीं पर उन्होंने भेद विज्ञान का अभ्यास किया, और भेद विज्ञान के अभ्यास के साथ विशुद्धि रूप पुरुषार्थ, विशुद्धि तेजी से बढ़ाई, पुरुषार्थ तीव्र किया, तो वहां पर ही उनका, जब तक 7वें नहीं पहुंचे तब तक उनका अभ्यास, और जहां भेद विज्ञान और तीन कषाय चौकड़ी का भाव एक साथ हुआ, सीधे 7वें पहुंच गए, तो वहां उनका अभ्यास, जितनी भी अभ्यास के लिए जितना भी टाइम दिया होगा वो पहले में ही हो जाएगा, ऊपर 5वें में आने की आवश्यकता नहीं है, पहले से सीधे 7वें में जा सकते हैं, पहले वाले का पहले में, चौथे वाले का चौथे में, और 5वें में यदि है तो 5वें का क्रम से चढ़े, ठीक है। एक बात, दूसरी बात इसमें और कहना है, एक बात और कही थी कि जो थोड़े मंद पुरुषार्थी होते हैं
वे जीव क्रम क्रम से चौथे में गए, पांचवे में गए, फिर एक 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 प्रतिमा को धारण करते हुए धीरे धीरे बढ़ते हैं। लेकिन जो तीव्र पुरुषार्थी होते हैं वे डायरेक्ट कई पहले से ही सीधे सातवें में, कई चौथे से सीधे सातवें में, और कोई ऐसे भी होंगे पांचवें में आए और सीधे सातवें में प्रतिमाएं धारण की ही नहीं, ऐसा भी हो सकता है, कोई दिक्कत नहीं है। अगला प्रश्न सुशांत चौगले पंडरपुर का प्रश्न था, 36वां प्रश्न, बाह्य में अणुव्रत आदि लेने पर अंतरंग में सम्यक दर्शन पूर्वक दो कषाय चौकड़ी का अनुदय कहा, लेकिन अणुव्रत आदि तो बाहरी क्रिया के हैं, उनका उसका संबंध अंतरंग में सम्यक दर्शन से कैसे हो सकता है सूरज काले। देखिए पांचवें गुणस्थान की प्रक्रिया के संबंध में बताया था कि पहले तो क्या हुआ अणुव्रतों का अंगीकार किया बाह्य में, और फिर क्या हुआ, फिर दो कषाय चौकड़ी के भाव पूर्वक पांचवा गुणस्थान हो गया। तो यहां पर कहना है इनका कि अणुव्रत आदि के ग्रहण से ये बाह्य क्रिया है और अंतरंग विशुद्धि का इनका क्या संबंध है, दोनों अलग अलग हैं, एक जड़ की क्रिया शरीर की क्रिया है और एक अंतरंग परिणामों का है। देखिए देखा जाए तो कोई संबंध नहीं एक अपेक्षा से, लेकिन फिर भी निमित्त नैमित्तिक संबंध तो है ही, पहले बाहर में त्याग होता है फिर इतनी विशुद्धि उत्पन्न कर सकता है कि अंतरंग विशुद्धि हो। यदि बाहर में भी त्याग नहीं हो, अणुव्रतादि का अंगीकार नहीं हो, तो पांचवा गुणस्थान भी नहीं हो सकता। ऐसे ही मुनिराजों के संबंध में है, पहले दीक्षा हो फिर भावलिंगी मुनि बने, दीक्षा ही नाली और सीधे भावलिंगी मुनि बन जाएं ऐसा संभव नहीं है, परस्पर निमित्त निमित्त संबंध जानना चाहिए। अगला प्रश्न, पंचम गुणस्थान वाला त्रस हिंसा का त्यागी होता है तो क्या वह स्थावर हिंसा कर सकता है, जी विजयन का प्रश्न है। क्या बोले, पंचम गुणस्थान वाला त्रस हिंसा का त्यागी तो है तो स्थावर की हिंसा कर सकता है, कर सकता है वाली छूट नहीं है, वहां हो जाएगी क्योंकि उसका त्याग नहीं है, तो स्थावर की हिंसा हो तो सकती है, लेकिन बुद्धि पूर्वक प्रयत्न तो यही रहेगा कि उसकी हिंसा ना हो कैसे भी। नियम पूर्वक त्याग नहीं है तो कभी हिंसा होती भी है कोई बाधा नहीं है, उससे गुणस्थान नहीं गिरता है, गुणस्थान पांचवा ही रहता है। लेकिन कर सकता है का मतलब ये नहीं कि मैंने तो त्रस हिंसा का त्याग किया है तो स्थावर को मैं खूब सारे पेड़ पौधे काट दो, सारा इनको मार दो, पृथ्वी का एक जल अनछना पानी सब खूब बहाओ, क्यों छूट है, ऐसी छूट नहीं है, मार सकता नहीं है, हाँ हो जाए तो हो जाए, उससे गुणस्थान नहीं गिरता, इतनी बात है। अगला 37वां प्रश्न हो गया, 38वां देखिए, 38वां प्रश्न है, हम मुनिराज को क्यों नहीं मानते, ये आशीष जैन उपाध्याय कनिष्ठ से प्रश्न है, वरिष्ठ से है, इनका प्रश्न है हम मुनिराज को क्यों नहीं मानते, बहुत बड़ा भ्रम है इनको, है अब नए नए आए हैं, हम मुनिराज को बिल्कुल 100% मानते हैं, पांचों परमेष्ठियों को मानते हैं, अरहंत सिद्धाचार्य उपाध्याय साधु सबको मानते हैं, इसलिए यह बिल्कुल नहीं है कि नहीं मानते। हम नग्न दिगंबर साधुओं को सबको स्वीकार करते हैं, बारंबार नमस्कार करते हैं, भगवान महावीर स्वामी से लेकर आचार्य कुंद कुंद आदि की परंपरा में जितने भी नग्न दिगंबर संत हुए हैं हम उनको स्वीकार करते हैं, इतना अवश्य है कि अंतरंग की पहचान हम नहीं कर पाते अलग मैटर है, लेकिन बाहर की पहचान हम कर सकते हैं, और जिनके 28 मूल गुणों का पालन व्यवस्थित होता है उनको तो हम मानते ही हैं, उसमें कोई बाधा नहीं है, उनको हम सिर झुकाते ही हैं, क्योंकि हमें मुनि बनना है और हम मुनि को ना माने तो फिर क्या है, सब गड़बड़ हो जाएगा। मुनि को मानते भी हैं और मुनियों को का स्वरूप जानते भी हैं, और स्वरूप जानकर ही हम मानेंगे, बिना जाने मानना संभव नहीं है। अगला प्रश्न, ये 38वां हो गया, 39वां, चतुर्थ गुणस्थान वर्ती जीव किसे कहते हैं, ये जिनेन्द्र जैन उपाध्याय कनिष्ठ 11वीं के नए नए छात्र हैं, इनको प्रश्न उठ गया चतुर्थ गुणस्थान वर्ती जीव किसे कहते हैं, इसकी चर्चा हो चुकी विस्तार से। चतुर्थ गुणस्थान वर्ती वे हैं जिनके अप्रत्याख्यानावरण कषाय का उदय है, और साथ में यह अनंतानुबंधी दर्शन मोहिनी का अनुदय हो गया अथवा अभाव हो गया, वे चतुर्थ गुणस्थानवर्ती जीव कहलाते हैं। अगला 40वां,
जिनके तीन कसाय चौकड़ी का अभाव हो गया हो वह भावलिंगी मुनिराज हैं, ठीक है। और यदि जिनके एक भी कसाय का अभाव नहीं हुआ हो और यदि एक या दो का ही हुआ हो तो भी वह द्रव्यलिंगी है क्या? प्रफुल्ल जैन का प्रश्न है। देखो इनका प्रश्न यह है, सीधा सरल है प्रश्न। तीन कसाय चौकड़ी का जिनके अभाव हो गया उनको भावलिंगी, और जिनके एक या तो एक का भी नहीं हुआ या एक दो का हो गया तो उनको क्या कहेंगे? उनको द्रव्यलिंगी कहेंगे। यदि दीक्षा ली है तो पहले वाले जिनके एक भी कसाय चौकड़ी का भाव नहीं हुआ वे द्रव्यलिंगी, चौथे वाले जिनके अनंतानुबंधी एक कसाय चौकड़ी का भाव हो गया वे भी द्रव्यलिंगी, पांचवे वाले जिनके दो कसाय चौकड़ी का भाव हो गया वे भी द्रव्यलिंगी, लेकिन जिनके तीन कसाय चौकड़ी का भाव हुआ है वे भावलिंगी भी हैं और द्रव्यलिंगी भी हैं, ऐसा जानना चाहिए। अगला प्रश्न 41वां, भावलिंगी को भी द्रव्यलिंगी कहा जाता है कैसे? तेजस दिग्विजय उपाध्याय वरिष्ठ है, वरिष्ठ से 12th के स्टूडेंट हैं। भावलिंगी को भी द्रव्यलिंगी कहा जाता है, इनका प्रश्न है कैसे? जो भावलिंगी हैं वे नियम से द्रव्यलिंगी तो है ही, द्रव्यलिंगी कैसे? तीन कसाय चौकड़ी का भाव है वह भावलिंगी है, और फिर साथ में नग्न दिगंबर और 28 मूल गुणों का पालन करते हैं वे द्रव्यलिंगपना है तो वह उनके होता है, इसमें कोई बाधा नहीं। हाँ इतना जरूर है जो जो द्रव्यलिंगी होते हैं वे भावलिंगी हो ही, ऐसा कोई नियम नहीं। अगला 42वां प्रश्न, चौथे गुण स्थान में बढ़ाइए, चौथे गुण स्थान में सायुष्मिक सम्यक दर्शन में अधाकरण और अपूर्वकरण ये दो ही करण क्यों हैं, अनवृत्तिकरण क्यों नहीं है? प्रफुल्ल जैन का प्रश्न है। क्या प्रश्न है? वहां भी आने में टाइम लग रहा है। प्रश्न क्या है समझ में आ गया? जो अपनी अबादत इसकी हो गई है तो वैसा सुनाओ तो सुनाई देता है क्या बोल रहे हैं, ऐसा हो जाता कई बार। अब तो दिखना चाहिए, ऐसी आदत हो गई कि दिखता है तो ऐसा लगता है हाँ कुछ बोला, और नहीं देखे और बस बोलें, ये देखो ये गड़बड़ भी ना हो जाए, ध्यान रखना। नहीं तो जब मान लो कई दूसरी विषय की कक्षाएं हों, प्रवचन हों, और ये प्रोजेक्टर नहीं चल रहा हो तो फिर ऐसा लगे यार वो कुछ दिखाई नहीं रहा, तो सुनाई ना दे, गड़बड़ ना हो जाए, ये आदत भी खराब ना हो जाए। दोनों पे बैलेंस बना के रखना, क्योंकि अभी हमने गौर किया कि मैं बोल रहा हूँ तो सुनाई सा नहीं दिया किसी को, वो हम देख रहे हैं कि वो कहाँ है, तो वहाँ दिखे नहीं दिखे सुनाई तो देनी चाहिए ना, ठीक है। तो प्रश्न है समझ में आ गया, फिर से बोलता हूँ, चौथे गुण स्थान में सायुष्मिक सम्यक दर्शन हुआ तो उसमें दो ही करण कहे थे, अधाकरण और अपूर्वकरण, माने पहले से कोई आया तो दो ही करण से, तो तीसरा निवृत्तिकरण क्यों नहीं कहा? क्योंकि उसमें सायुष्मिक सम्यक में जितना पुरुषार्थ अनिवार्य है वो दो करण से ही काम हो जाता है, अधाकरण और अपूर्वकरण, अधा प्रवृत्तिकरण और अपूर्वकरण से अनिवृत्तिकरण की आवश्यकता नहीं है, उसकी आवश्यकता तो प्रथमोपम सम्यक्त के लिए होती है, इसके लिए नहीं। और भी कई जगह होती है, उसकी चर्चा अपन कर चुके हैं, लेकिन सर्वोपम सम्यक्त के लिए दो ही करण से काम हो जाता है। आगे देखें, ये 42 हो गया 43 हो, चतुर्थ गुण स्थान की पहचान के बाह्य चिन्ह क्या क्या है? अनेकांत काले, चतुर्थ गुण स्थान की पहचान के बाहर के चिन्ह यद्यपि ऐसे तो दिखाई देते हैं, ना कोई उसके ऊपर सींग उगाते हैं, ये देखेंगे देखो ये चौथे वाला जा रहा है, ऐसा तो होता नहीं, या वो उसके कोई अलग टाइप की ड्रेस हो, ऐसी यूनिफॉर्म मिलती हो कि चौथे गुण स्थान वालों की ये ड्रेस रहेगी, पांचवे वालों की ये ड्रेस रहेगी, और छठवें सातवें वालों की बिना ड्रेस के रहेंगे, ऐसा तो कुछ है नहीं, तो बाहर से तो ऐसा समझ में नहीं आएगा। हाँ लेकिन चौथे वाला है, सम्यक दृष्टि है, तो उसकी पहचान प्रसम संवेग अनुकंप आस्तिक, इन चिन्हों से शास्त्रों में कही है, और भी इसका विस्तार वहाँ पर है, वहाँ से और पढ़ें तो चतुर्थ गुण स्थान की पहचान, लेकिन हमें दूसरे की ज़्यादा पहचान में ताकत ना लगा के हमें स्वयं बनने का प्रयास करना चाहिए, क्योंकि हम ढूंढेंगे और असफल हुए तो कहीं ना कहीं समस्याएँ पैदा हों, और ढूंढना भी कठिन है क्योंकि ज्ञानी ही ज्ञानी को जाने,
अज्ञानी ज्ञानी को जाने, ये थोड़ा सा कठिन काम है, हो सकता है, लेकिन फिर उसके लिए मेहनत करना पड़ेगी। अच्छे से समझ सकते हैं, थोड़ा सा विशेष अध्ययन होना चाहिए। अगला, हाँ ये भी नियम है, चतुर्थ गुण स्थान वाले के अन्याय नीति अभक्ष्य का त्याग नियम पूर्वक होता ही है, इसलिए इस दृष्टि से भी उसकी पहचान हो सकती है। अन्याय नीति अभक्ष्य का त्याग और प्रसम सम्वेग अनुकंपा आस्तिक, इन गुणों की प्रकटता, इनसे अपन उसको जान सकते हैं। ठीक है, आगे देखते हैं 44वां प्रश्न, सम्यक दृष्टि कैसे होते हैं? अभिनंदन नायक, इनका प्रश्न है सम्यक दृष्टि कैसे होते हैं। तो सम्यक दृष्टि, तो सम्यक दृष्टि जैसे होते हैं उनके श्रद्धान सम्यक होता है। कैसा होता है श्रद्धान? सम्यक होता है। अब ऐसे इनको भी लगता है कि ऐसे ही दिखाना है, कि दिखना चाहिए कि किस टाइप के होते हैं सकल सूरत से, ऐसा तो कुछ यहाँ पर है नहीं। इसलिए सम्यक दृष्टि ज्ञानी धर्मात्मा होते हैं, उनके तत्व श्रद्धान होता है, वस्तु स्वरूप का निर्णय होता है, आत्मश्रद्धान होता है, वे सम्यक दृष्टि होते हैं। 44वां में 45वां, 5वें गुण स्थान में 11 प्रतिमाओं का पालन होता है क्या? शिवम जैन, 5वें गुण स्थान में 11 प्रतिमाओं का पालन, जो आगे आगे बढ़ता जाए, जिसकी विशुद्धि आगे बढ़े उसके अनुसार 11 प्रतिमाएं उनके रहती हैं, जो आगे नहीं बढ़े तो नहीं भी हो, लेकिन जो 5वें गुण स्थान वाला होगा, विशुद्धि आगे बढ़ती जाएगी, प्रतिमाएं आगे बढ़ती चली जाएंगी, तो उनका पालन 5वें गुण स्थान में हो सकता है, कोई बाधा नहीं है। अगला प्रश्न 46वां, अभव्य जीव 4थे गुण स्थान की प्राप्ति क्यों नहीं कर सकता? नमन जैन, क्या है प्रश्न? अभव्य जीव 4थे गुण स्थान की प्राप्ति क्यों नहीं कर सकता? नाम ही उसका अभव्य है, आ माने नहीं, भव्य माने योग्यता, जिसके सम्यक दर्शन आदि प्रकट करने की योग्यता ही नहीं है उसको अभव्य कहते हैं। तो यहाँ पर उसकी योग्यता ही नहीं है इसलिए अभव्य है, और जो अभव्य है तो 4थे आदि गुण स्थान को प्राप्त नहीं कर सकता। अगला प्रश्न, क्षुल्लक और एलक श्रावक की वितरकता में भेद है क्या? गौरव जैन का प्रश्न है। जो क्षुल्लक और एलक की वितरकता में थोड़ा तो अंतर है, क्यों है? क्षुल्लक दो वस्त्रधारी होते हैं, एक लंगोटी और एक चादर, और एलक के एक लंगोटी मात्र रहती है, चादर हट जाता है, इतना राग हुआ ना कम, इसलिए थोड़ा तो, यद्यपि प्रतिमाएं दोनों की एक ही है, होने पर भी उनकी वितरकता में अंतर होता है, क्षुल्लक से ज्यादा एलक की वितरकता थोड़ी अधिक रहेगी। अगला प्रश्न, अगर तीर्थंकर संयम धारण नहीं करते तब वह तीर्थंकर बनने के योग्य है? प्रश्न है जिनेन्द्र जैन, क्या प्रश्न पूछा इन्होंने? अगर तीर्थंकर संयम धारण नहीं करते, क्यों नहीं करते? तीर्थंकर तो संयम धारण करते हैं, तीर्थंकर का जीव संयम धारण तो करता है, तब वह तीर्थंकर बनने के योग्य है? ठीक है, कनिष्ठ का है, नया नया विद्यार्थी है, तो तीर्थंकर संयम धारण करता है, कदाचित इनका ऐसा हो संयम धारण ना करे तो बनने योग्य है क्या? फिर काहे को बनने योग्य है, लेकिन वो तो संयम धारण करेंगे ही और तीर्थंकर बनेंगे ही, तीर्थंकर प्रकृति बांधी है, बनना ही है। अगला प्रश्न 49वां, 5वां गुण स्थान मनुष्य और त्रिंच को ही होता है, तो त्रिंच कैसे संयम धारण करते हैं, प्रतिमा कैसे ले सकते हैं, या उनकी कितनी प्रतिमा होती है? भूषण काले गोरे, देखो 5वां गुण स्थान मनुष्य त्रिंच के होता है, मनुष्य तो पूरी प्रतिमाओं को धारण कर सकता है, कोई बाधा नहीं है, लेकिन त्रिंचों के तो सामान्य रूप से अनुव्रतों का अंगीकार होगा, लेकिन ये आगे नहीं बढ़ते हैं ज्यादा। क्यों नहीं बढ़ते हैं? क्योंकि वहां उस तरह की सुविधा नहीं होती, व्यवस्था नहीं है। अब जैसे समझ लो स्वयंभू रमण समुद्र में मत्स्य है, तो बेचारा वहां क्या करेगा, उसका भोजन पानी ही तो मुश्किल से व्यवस्थित हो जाए, उतना तो हो जाता है, लेकिन फिर भी आगे बढ़ने की उसकी पात्रता संभव नहीं है, इसलिए उसके ज्यादा इस तरह का प्रतिमाओं का ग्रहण हो, आगे बढ़ता जाए, इस तरह की बात नहीं बन सकती है। अगला प्रश्न 50वां, यदि कोई अनादि मिथ्या दृष्टि जीव 4थे में जाता है, अनादि मिथ्या दृष्टि जीव कहाँ जाता है? 4थे में गया, तो वह कितनी प्रकृतियों का उपशम या क्षय करता है? अनुराग जैन का प्रश्न है। सामान्य रूप से 7 अपेक्षा भी बताई थी, अथवा 5,
पांच का भी कह सकते हैं अथवा सात का भी कह सकते हैं। दोनों ही कथन अपने पास विवक्षा के अनुसार उपलब्ध हैं, तो दोनों का ही कर सकते हैं, पांच का अथवा सात का। अनादि मिथ्यारिष्टि जी। अगला प्रश्न, क्या चौथे गुण स्थान में व्यवहार और निश्चय दोनों सम्यक दर्शन प्रकट होते हैं? नहीं शिवम जैन का, चौथे गुण स्थान में दोनों ही सम्यक दर्शन, निश्चय और व्यवहार दोनों सम्यक दर्शन प्रकट होते हैं। अगला प्रश्न, पांचवा गुण स्थान भोगभूमि वालों के क्यों नहीं होता? प्रश्न है, किसका है? नाम ही गायब हो गया। चलिए, पांचवा गुण स्थान भोगभूमि वालों के क्यों नहीं होता? क्योंकि वहां पर कौन है? अच्छा, पूरा एड्रेस चिन्मय मांगुलकर काटोल नागपुर महाराष्ट्र और लिख देते, चलिए पूरा हो गया। तो भोगभूमि वालों के पांचवा गुण स्थान नहीं होता है, एक उनकी योग्यता नहीं, दूसरा उनके इस तरह का अवसर नहीं, त्याग का भाव होता नहीं कि वे पांचवा गुण स्थान प्राप्त कर लें, चार तक की उनकी लिमिट है, उससे ऊपर नहीं जा सकते, एक से चार गुण स्थान ही उनके हो सकते हैं। आगे, चौथे गुण स्थान में औपसमिक के उत्पत्ति के समय गुण श्रेणी निद्रा होती है, किस कारण से होती है? विशुद्धि के कारण से। ये इस तरह की चर्चा आ चुकी है, आगे बढ़े। अभिषेक जैन का प्रश्न है 54वां, सम्यक दर्शन की प्राप्ति के लिए शुद्धात्मा के ध्यान को छोड़कर क्या अन्य कोई उपाय हो सकता है? दीपक जैन का प्रश्न है, नहीं शुद्धात्मा के ध्यान को छोड़कर अन्य कोई उपाय नहीं है। कोई और भी किसी भी तरह से कितने भी त्याग करे, दीक्षा भी ले ले और बहुत महीनों महीनों वर्षों वर्षों तक तपश्चरण भी करे, तब भी सम्यक दर्शन की प्राप्ति नहीं होती। कोटि जन्म तप तपे फिर भी ज्ञानी नहीं हो पाता, क्यों? क्योंकि आत्मा का अभ्यास के बिना, आत्म ध्यान के बिना, शुद्धात्मा की उपलब्धि के बिना चौथा गुण स्थान नहीं हो सकता है, और भी करोड़ों कितने प्रयत्न किए जाएं चौथा गुण स्थान प्राप्त नहीं होगा। अगला, ठीक है, 55 नंबर का प्रश्न है 54 के बाद, आगे देखें। घाती कर्म की प्रकृतियों में जो देशघाती प्रकृतियों में कुछ सर्वघाती स्पर्धक हैं, तो वह तो सर्वघात कर रहे हैं, तो उन्हें देशघाती प्रकृति कैसे कह सकते हैं? भूषण काले गोरे का प्रश्न है, प्रश्न आया समझ में? घाती कर्म की प्रकृतियों में, इसमें दो प्रकार के भेद बनते हैं, कौन से भेद बनते हैं? देशघाती प्रकृति और सर्वघाती प्रकृति। उसमें जो देशघाती प्रकृति है उसके स्पर्धक कैसे होते हैं? सर्वघाती भी होते हैं और देशघाती भी होते हैं। तो इनका कहना है कुछ सर्वघाती स्पर्धक हैं, किसमें? देशघाती प्रकृतियों में, तो वह तो सर्वघात कर रहे हैं, कौन? जो सर्वघाती स्पर्धक हैं वे सर्वघात कर रहे हैं, तो उन्हें देशघाती प्रकृति कैसे कह सकते हैं? देखो, स्पर्धक सर्वघात कर रहे हैं लेकिन वे देशघाती प्रकृति के ही अंश हैं। देशघाती प्रकृति में दो प्रकार के भेद कहे, सर्वघाती स्पर्धक और देशघाती स्पर्धक, और इसी से शरूपसम की व्यवस्था होती है। सर्वघाती स्पर्धक सर्वघात कर रहे हैं लेकिन उनका उदयाभावी 6 सदवस्था रूप उपशम रहता है, और देशघाती स्पर्धकों का उदय रहता है, तो हमें मति अनादिक प्रकट हो जाते हैं, हो ही रहे हैं, सभी को हो रहे हैं। तो इसलिए सर्वघाती स्पर्धक होने पर भी वे देशघाती प्रकृति के ही भेद हैं, ऐसा जाने। अगला प्रश्न 56वां, चौथा गुण स्थान में नाना जीवों की अपेक्षा तीनों सम्यक तो हो सकते हैं, यदि हाँ तो कैसे और ना हो तो कैसे? ठीक है, इनका प्रश्न है, शिवम जैन का प्रश्न है कि चौथे गुण स्थान में नाना जीवों की अपेक्षा तीनों सम्यक हो सकते हैं, बिल्कुल हो सकते हैं, किसी के औपसमिक हो, किसी के शायोपसमिक हो, किसी के शायक। इन्होंने कहा यदि हाँ तो कैसे, हाँ तो ऐसे कि तीनों के हो सकते हैं, अब इसमें कोई अलग से तो है नहीं, और नहीं तो कैसे, नहीं है ही नहीं, तो कैसे का जवाब है नहीं, हाँ हो सकते हैं ना, एक साथ एक जीव के एक से अधिक नहीं हो सकते, दो या तीन नहीं हो सकते, लेकिन भिन्न भिन्न जीवों के तीनों तरह के सम्यक तो पाए जा सकते हैं। अगला प्रश्न है 57वां, यदि कोई कहता है कि चौथे गुण स्थान जिसको प्राप्त हो जाता है तो उसको मोक्ष की प्राप्ति हो जाती है, यह बात ठीक है क्या? ऐसा कुछ नहीं है, चौथा गुण स्थान प्राप्त हो गया तो मोक्ष की प्राप्ति होगी भविष्य में, लेकिन अभी होगी या हो ही जाती है ऐसा तो सवाल ही नहीं है,
लेकिन हो जाएगी भविष्य में, इतना पक्का है। अगला प्रश्न 58वां, औसमिक सम्यक दर्शन एक बार होकर छूटे तो दोबारा होने में असंख्यात वर्ष क्यों लगता है? प्रफुल्ल जैन का प्रश्न है। ये तो आगम का उल्लेख है, गोमटसार कर्मकांड में कहा है कि प्रथमोपशम सम्यक तो एक बार प्रकट हो जाए और वह छूट जाए तो दोबारा प्रथमोपशम होने में असंख्यात वर्ष का गैप पड़ता ही है, ऐसा जाने ये आगम का उल्लेख है, उसी के अनुसार कहा। अब क्यों वाली बात नहीं है, अधिकतम क्यों का जवाब मिलता है, लेकिन यहाँ पर क्यों का जवाब नहीं, इतना है कि आगम में ऐसा कहा है। ठीक है, आगे 59वां, गुणस्थान विवेचन में चौथे गुणस्थान में अविरत शब्द अंतदीपक कहा है, तो आपने ये क्यों नहीं बताया विशेष अपेक्षा निरूपण में? चेतन जैन, मतलब जो वहां लिखा हो तो वो सब बताना अनिवार्य है, है? एक बात तो ये हुई, और दूसरी बात क्या हुई कि उसमें जो नहीं है वो अतिरिक्त क्यों बताया? फिर तो ऐसा ही पूछ सकते थे, उसमें जो नहीं है वो भी क्यों बताया, सब हो सकता है। फिर भी देखो वहां क्यों नहीं बताया, उसका कारण है कि वहां पर चतुर्थ गुणस्थान अविरत शब्द को अंतदीपक लिखा था, तो हमने बताया था आपको कि एक पहले तो हमने जो इसकी पीपीटी बनाई थी तो वहां लिख दिया था ये, लेकिन फिर बाद में उसको हटाया। सामान्य रूप से तो लिख सकते हैं, लेकिन गहराई से भी सोचें तो अविरत शब्द अंतदीपक नहीं हो सकता। क्यों? क्योंकि अविरत पना तो पांचे में भी है, पांचे में विरता विरतपना है ना, तो अविरतपना तो पांचे में भी है, इसलिए चौथे में अंतदीपक लिखने में मुझे दिक्कत हो रही थी और ऐसा लग रहा था तर्क से वो नहीं बैठ रहा है, इसलिए चौथे में अंतदीपक ना लिख के पांचे में अंतदीपक जरूर लिख सकते हैं, क्योंकि पांचवे में अविरतपना अंतदीपक, उसके बाद अविरतपना है ही नहीं, ऐसा कर सकते हैं। ठीक है, इसलिए नहीं लिखा है। 60वां, सम्मूर्छन जीव तो असंगी होते हैं और असंगी जीवों के जब सम्यक दर्शन नहीं होता तो उनको पांचवा गुणस्थान कैसे हो सकता है? दीपक जैन का प्रश्न है। इनका कहना है सम्मूर्छन जीव तो असंगी होते हैं, ऐसा थोड़ी है, सम्मूर्छन जीव संगी भी हो सकते हैं, जो महामत्स्य हैं ये सारे संगी हैं, तो इनका प्रश्न है। और असंगी जीवों के सम्यक दर्शन नहीं होता, ये बात तो सही है, संगी के नहीं होता, लेकिन सम्मूर्छन असंगी हों ऐसा सर्वथा नियम नहीं, संगी भी हो सकते हैं असंगी भी हो सकते हैं, और उनको पांचवा गुणस्थान कैसे हो सकता है? हो सकता है, जब संगी है तो हो सकता है। आगे 61वां प्रश्न, चौथा गुणस्थान मिथ्या दृष्टियों को प्राप्त हो सकता है क्या? यदि हाँ तो किस अपेक्षा से प्रकट हो सकता है? सिद्धांत आहिर का प्रश्न है। चौथा गुणस्थान जो मिथ्या दृष्टियों को हो सकता है, कोई दिक्कत नहीं है, जो मिथ्या दृष्टि जीव हैं वे यदि भेद विज्ञान के बल से आत्मा का श्रद्धान करते हैं, जीव जुदा पुद्गल जुदा इस तरह की पहचान करते हैं, निर्णय करते हैं, तो उनको मिथ्या दृष्टियों को चौथा गुणस्थान हो सकता है, कोई दिक्कत नहीं है। अगला 62वां, यदि अनादि मिथ्या दृष्टि सम्यक तो प्राप्त करता है तो उसके दर्शन मोहिनी के तीन टुकड़े हो जाते हैं, यदि बहुत काल बीत जाने पर वह तीन टुकड़े पुनः एक साथ जुड़ जाते हैं तो वह जीव अनादि मिथ्या दृष्टि कहलाएगा या सादी मिथ्या दृष्टि? अनुराग जैन का प्रश्न है। इनका प्रश्न समझें, कोई भी सम्यक दृष्टि है, सम्यक दर्शन छूट गया, मिथ्या दृष्टि हो गया, क्या हो गया? वह सादी मिथ्या दृष्टि। उनके दर्शन मोहिनी के तीन टुकड़े हो चुके थे, तीनों टुकड़े पहले थे, धीरे धीरे बहुत काल हो गया तीनों जुड़ गए, अब तीनों जुड़ने के बाद अब उसको हम अनादि कहेंगे कि सादी कहेंगे? तीनों जुड़े तब भी सादी है, तीनों अलग अलग रहे तब भी सादी है। सादी इसलिए है कि टुकड़े जुड़ने और बिखरने से नहीं, एक बार सम्यक दर्शन हो गया और फिर मिथ्यात्व में आया तो वह सादी मिथ्या दृष्टि ही है। और अंतिम प्रश्न आज का, वीतराग भाव को पंचम गुणस्थान कहते हैं क्या? शिवम जैन, वीतराग भाव दो कषाय चौकड़ी के अभाव रूप जो व्यक्ति वीतरागता है उसको पंचम गुणस्थान कहते हैं। वीतराग भाव का इतना ही अर्थ जाने, पूर्ण वीतरागता नहीं, दो कषाय चौकड़ी के अभाव पूर्वक जो व्यक्त हुई वीतरागता उसे ही वीतरागता पंचम गुणस्थान वाली कहेंगे। इस तरह से ये ध्रुवार्थियों द्वारा किए गए 63 प्रश्नों का उत्तर अभी देने का प्रयास किया, मुझे लगता है कि सभी को ख्याल में आया होगा, संतुष्टि हुई होगी।
और इस तरह से चौथे पांचवें गुण स्थान का और व्यवस्थित निर्णय करें, विशिष्ट ज्ञान करें। इसी भावना से यहीं विराम देते हैं।